नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में इस प्रयोग को कंटिन्यू हर रोज इस्तेमाल कर लेंगे तो अगले 1 साल तक, अगला 1 साल का मतलब है कि अगले अक्टूबर नवंबर तक आपके शरीर में ये छह रोग आपके शरीर में आपको छू तक नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और ये एक अद्भुत जानकारी है, ये एक ऐसी जानकारी है जो आपके लाइफ में हमेशा काम आएगी, आपके शरीर में आपको रोगों से बचाएगी, आपके शरीर में इतनी अथाह ताकत भर देगी कि अगले 1 साल तक आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी, किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का बुखार, किसी भी तरह की अन्य प्रॉब्लम जो जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो आपके शरीर में प्रवेश तक नहीं कर पाएगी। इतना असरकारक और इतना ज़बरदस्त ये उपाय आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली होके समझें, क्योंकि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों के अंदर हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आने लगती हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि बाहर की ठंड को हम अच्छे से सहन कर लें। अच्छे से सहन ना करने की वजह से, कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से वो शरीर में अनेक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं, जिसका असर धीरे 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 हमारे ऊपर पड़ने लगता है और हमारी हालत दिन प्रतिदिन वीक होती चली जाती है, बदतर होती चली जाती है। इसके बाद हम तरह तरह के गलत ट्रीटमेंट लेना चालू कर देते हैं और गलत ट्रीटमेंट और बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हमारा जो लीवर है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो हृदय है, उसके ऊपर सीधा का सीधा बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, उनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए उनका इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप से हमें देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए यहाँ पे मैं आपको 6 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊँगा कि अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो आप इन 6 बीमारियों से 1 साल तक खुद को बचा के रख पाएंगे, क्योंकि नुस्खा ही ऐसा है, ये उपाय ही ऐसा देने वाला हूँ आज मैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नज़ले जुखाम की समस्या के बारे में। दोस्तों, अक्सर ठंड के मौसम में, जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर हम घर के अंदर आते हैं, यानी गर्म सर्द का जो ये सिलसिला चलता है, इस सिलसिले में हमारे शरीर में लो इम्यूनिटी होने की वजह से नज़ला जुखाम, नाक का बंद हो जाना, बार बार छींके आना, बार बार जुखाम की समस्या, नाक का बहना, ये सारी की सारी समस्याएं हमें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं बात करूँगा गले के रिगार्डिंग। जब हमारे नाक के अंदर नज़ला जुखाम या जुखाम की शिकायत होती है तो उसके साथ साथ में हमें गले की प्रॉब्लम भी हो जाती है, गला बैठ जाता है, गले के अंदर खराश बहुत ज़्यादा हो जाती है, गले के अंदर जिनको टॉन्सिल्स है वो टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, इसके अलावा गला कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है, गले से आवाज़ तक नहीं निकलती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर भयंकर पेन भी होने लगता है। तो दूसरे नंबर की चीज़ यहाँ पे ये है जिससे आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करने से राहत मिलेगी अगले 1 साल तक। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात करते हैं श्वास नली के बारे में। श्वास नली में कई बार ऐसा होता है ठंड गर्म के एहसास की वजह से, ठंड गर्म लगने की वजह से, ठंडी हवाएं हमारी सांस के थ्रू अंदर जाने की वजह से हमारी श्वास नली के अंदर एक असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग तक आ जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक रहेगी, यानी कि अगले 1 साल तक आप इसे बचे रहेंगे। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर यहाँ पर हम बात करते हैं छाती में दर्द होना। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड घुस जाती है तो ऐसे में सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसी का इफेक्ट हमारी छाती के ऊपर पड़ता है, छाती हमारी जकड़ जाती है, छाती के अंदर निमोनिया बैठ जाता है, छाती के अंदर ठंड बैठ जाती है। तो आप इस छाती में बैठने वाली ठंड
से अगले एक साल तक निजात पा सकते हैं। आपको एक साल तक ये रोग परेशान नहीं करेगा, आपको बस ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जिनको इम्यूनिटी डाउन होने के साथ साथ उनके शरीर में बार बार ज्वर आ जाता है, बार बार बुखार हो जाता है, कभी निमोनिया हो जाता है, कभी वायरल फ्लू हो जाता है, कभी साधारण जो बुखार होता है वो हो जाता है, यानी कि बुखार अगर आपको शरीर में बहुत जल्दी आपको घेरता है तो आपको बुखार से बचाएगा, बुखार अगले एक साल तक आपके शरीर में आपको छू भी नहीं पाएगा, आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही असरकार के नुस्खा है। अब दोस्तों लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो छठा रोग है, जो ठंड का एक तरह से रोग माना जाता है, ठंड के मौसम में होने वाले सारे रोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों छठवां जो रोग है वो है हमारी खांसी। अक्सर गला खराब होने की वजह से या नज़ला जुखाम की शिकायत होने की वजह से हमें खांसी की शिकायत होने लगती है। पहले खांसी सूखी होती है, उसके बाद ये खांसी बलगमी हो जाती है, उसके बाद ये खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ते 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 हमारे शरीर में इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती है, जिसका सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे फेफड़ों के ऊपर पड़ता है, फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं, फेफड़ों में दर्द होने लगता है, और इसके साथ साथ ये खांसी जब बिगड़ जाती है तो काली खांसी के रूप में ये बदल जाती है, जो 2-3 महीने तक ठीक ही नहीं होती है। और जब खांसी 2-3 महीने तक ठीक नहीं होगी तो उसके बाद ये टीबी का रूप ले लेती है, और उसके बाद तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। जो टीबी के मरीज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो अच्छे से समझते हैं कि ये टीबी की बीमारी होने के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स में हम घिर जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया है। अब इसके साथ में मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, 7वीं चीज़, वो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से उस चीज़ में भी आपको 100% रूप से बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों वो है छाती में जमा हुआ कफ, चाहे आपको पुराना कफ जमा हुआ है, चाहे आपको अभी ठंड लगने की वजह से आपकी छाती जकड़ गई है, और छाती जकड़ने से उसमें बहुत ज़्यादा ठंड घुस गई है, ठंड घुसने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बलगम बैठ गया है, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा हैवी पेन आपको महसूस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों छाती में बैठे हुए कफ को, छाती में जमे हुए बलगम को ये नुस्खा चुटकियों के हिसाब से निकालेगा। आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, इन सातों की सातों प्रॉब्लम को अगले एक साल तक बिल्कुल भूल जाइए, आपके शरीर में ये एंट्री तक नहीं करेंगे। अब दोस्तों उपाय की तरफ हम चलते हैं, उपाय में आपने क्या लेना है और कौन कौन सी सावधानियाँ आपने यहाँ पे करनी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उपाय में आपने सिर्फ ये करना है, आपने 7 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है, 7। उपाय बहुत सिंपल है, आप डेली सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करेंगे, 5 पत्तियाँ ले लें, 7 पत्तियाँ ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ी बड़ी साइज की है तो 5 ले लें, थोड़ी छोटे साइज की है तो आप 7 पत्तियाँ ले लें। 5 से 7 तुलसी की पत्तियाँ लें, 2 से 3 काली मिर्च लें। अब दोस्तों काली मिर्च का पाउडर भी कर सकते हैं या साबुत काली मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। अब आपने तुलसी की पत्तियों को अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद में 3 काली मिर्च तुलसी के पत्तियों के बीच में रख के, यानी कि काली मिर्च के ऊपर तुलसी की पत्तियाँ अच्छे से लपेट के गोली के रूप में उसको बना लें, उसके बाद आप उसको मुंह के अंदर डाल के अच्छे से चबाएं, चबाएं कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चबाएं, उसके बाद गुनगुने पानी की मदद से आप उसको अपने शरीर के अंदर ले लें, उसका सेवन कर लें। बस दोस्तों यही एक छोटा सा उपाय है, लेकिन 1000 गुणों से भरा हुआ ये उपाय है, 1000 बेनिफिट आपको देने वाला ये छोटा सा घरेलू उपाय है। आप इसकी महानता को, आप इसकी गुणवत्ता को तभी समझ पाएंगे जब आप इसको लेना चालू कर देंगे। तो दोस्तों आप इसको लीजिए और अपनी इन सातों की सातों प्रॉब्लम से हमेशा के लिए दूर रहिए। अब दोस्तों आपको सावधानी कौन कौन सी रखनी है, सावधानी आपने ये रखनी है कि एक तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इस मौसम में ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, ठंडी चीज़ें खाने से खुद को बचा के रखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि खट्टी चीज़ें हमारे गले के अंदर अटैक करती हैं और ठंडी चीज़ें हमारे तासीर को कमज़ोर बनाती हैं, हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी लेवल है उसको बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं। इसके साथ साथ वो नज़ले जुखाम को भी बढ़ावा देती हैं, ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, खास करके दही, ठंडी दही का सेवन करना, खास करके जब आपका गला ख़राब होता है तो आपको ठंडी दही या ठंडी चीज़ें या फिर खट्टी चीज़ें
ऐसी चीज़ों का सेवन करना आपके लिए वर्जित हो जाता है, तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारे चैनल गुरुजी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भविष्य में भी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।